सो हे गाइज व्हाट्सअप। सो गाइज यहाँ पे 40,000 रुपये के रेंज में ऐसे लैपटॉप्स ले आए जो कि आप अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में ले सकते हो और यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट भी ले पाओगे। सो यहाँ पे ऐसे लैपटॉप्स इंक्लूड किए हुए इस लिस्ट में जहाँ पे आप सारे काम ईजिली कर पाओगे इरिस्पेक्टिव ऑफ कैसे यूज़र हो। तो सभी यूज़र्स के हिसाब से लैपटॉप इंक्लूड किया है, आप लिस्ट देखो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड यहाँ पे i5 के 12 जनरेशन से लेकर राइजन के लेटेस्ट सीरीज तक के प्रोसेसर है। तो सभी लैपटॉप का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए गाइस बात करते हैं इन लैपटॉप्स के बारे में। सो गाइस पहले लैपटॉप के बारे में बात करें तो गाइस ये है एसस का वीवबुक 15। यहाँ पे आपको इंटेल कोर i3 1220p का प्रोसेसर देखने को मिलता है एंड इसका प्राइस 39,990 रुपीज़ है। अलग से बैंक्स के ऑफर बहुत सारे हैं तो उसको ऐड करना मत भूलना, ये आपको आराम से 3,000 से 5,000 रुपये के डिस्काउंट में देखने को मिल जाएगा। 8GB की रैम है, 512GB की SSD, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है और बाकी सब कुछ इस लैपटॉप में आपको लेटेस्ट देखने को मिलता है और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस लैपटॉप की। तो अगर आपका बजट वही 36,000-37,000 रुपये है तो इस लैपटॉप के लिए आप आग बंद करके जा सकते हो, लिंक इज़ द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन गाइस HP की तरफ से। सो गाइस HP का FQ1092AU लैपटॉप थोड़ा पुराना है बट इज़ वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। तो यहाँ पे सेल में ही काफ़ी कम प्राइस में सेल हो रहा है, तो अगर आपको HP का कोई लैपटॉप चाहिए अच्छा खासा एंड आपका बजट थोड़ा कम है एंड आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए तो अब ये लैपटॉप ले सकते हो। जहाँ पे AMD Ryzen 5 का 55-minute व्यू देखने को मिलता है, 14-inch के डिस्प्ले है, बैकलिट कीबोर्ड वगैरह आपको इसमें देखने को मिल जाता है, रेडियन ग्राफिक्स के साथ में भी आता है। तो हाँ डिस्प्ले क्वालिटी वगैरह ठीक ठाक देखने को मिल जाती है आपको इसमें, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बाकी लैपटॉप अच्छा है HP की तरफ से, और क्या चाहिए आपको। नेक्स्ट गाइस MSI के फैंस के लिए, तो MSI का मॉडर्न 15 आता है जहाँ आपको Ryzen 5 का 7530U का प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एक 60Hz के डिस्प्ले के साथ में आता है। वही 8GB रैम, 512GB की SSD देखने को मिलती है। सो अगर गाइस आपका बजट 36,000 या 35,000 रुपये के आसपास है ना, आपको Ryzen 5 का एकदम हाई परफॉर्मिंग लैपटॉप चाहिए लेकिन MSI की तरफ से, तो यहाँ पे आप इसका MSI का मॉडर्न 15 ले सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 2021 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है आउट ऑफ दी बॉक्स, तो वो आपको अलग से लगवाना पड़ेगा, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा और कम है। बाकी अप टू 5,000 रुपीज़ का डिस्काउंट चल रहा है SBI के कार्ड्स के ऊपर, आप देख सकते हो। सो अगर गाइज आपको लैपटॉप चाहिए काफ़ी पतला, स्लीक एंड यूनिक दिखने में, मतलब कि मैकबुक की कॉपी एंड दिखने में काफ़ी अच्छा हो, मेटल बॉडी के साथ में आता हो और काफ़ी कॉम्पैक्ट हो, तो गाइज़ ऑनर का स्मार्ट चॉइस मैजिक बुक X14 2023 वाला वर्जन आपके लिए बेस्ट चॉइस बन सकता है, जहाँ आपको i5 का 12450H का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। H सीरीज की प्रोसेसर है, साथ ही 16GB की रैम है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, तो इसमें रैम अपग्रेड की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 14-inch का डिस्प्ले है, IPS एंटी ग्लेयर का डिस्प्ले है और बैकलाइट कीबोर्ड वगैरह, फिंगरप्रिंट, लॉगिन वगैरह सब है इस लैपटॉप में। 46,000 रुपीज़ में सेल हो रहा है, यहाँ पे अप टू 5,000 रुपीज़ का SBI कार्ड के ऊपर डिस्काउंट है, तो आप उसको ऐड करो, काफ़ी आराम से आप ये उसको लैपटॉप को ले सकते हो, बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छा दिखने में है ये लैपटॉप। नेक्स्ट ऑप्शन एसर का एस्पायर 3, वही i5 का 12 जनरेशन इस प्राइस पॉइंट में अगर आपको लेना है एंड आपको 12 जनरेशन i5 ही लेना है विथ 16GB के रैम, तो वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है एसर का एस्पायर 3। तो यहाँ पे जितने भी लैपटॉप्स बता रहे हैं वो ऐसे लैपटॉप्स बता रहा हूँ जिन पे मैं खुद का पैसा आराम से आग बंद करके खर्च कर सकता हूँ। सो यहाँ पे ये सारे लैपटॉप्स काफ़ी अच्छी डील है, इनको मत छोड़ो, फटाक से जाके खरीदो। नेक्स्ट ऑप्शन गाइस डेल की तरफ से आता है, तो जिनको डेल का लैपटॉप चाहिए वो ये ले सकते हैं, डेल इंस्पिरॉन 3525, जहाँ पे राइजन 5 का 5625U का प्रोसेसर मिलता है, 8GB की रैम है, 512GB की SSD, बाकी सब कुछ है इस लैपटॉप में। 120Hz का आपको फुल HD WVA डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, WVA AG वाला जो डिस्प्ले वो मिलता है, तो हाँ ये लैपटॉप भी ले सकते हो, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज फ्रॉम एसस का व्यूबुक 16X। मल्टीमीडिया कंजम्पशन या फिर आपको वीडियो ग्रेड या फिर आपको कोई कलर ग्रेडिंग वाला काम करना है, अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर है तो ये लैपटॉप आपके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको इसमें 16-inch की डिस्प्ले मिलती है जो कि फुल HD डिस्प्ले, Ryzen 5 का 5600H का प्रोसेसर मिलता है एंड 8GB रैम, 512GB की SSD मिलती है। लैपटॉप का लुक वाकई में लाजवाब, तो इसको आप खरीद सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन गाइस एक और डेल की तरफ से आता है, जहाँ पे आपको 12 जनरेशन का i5 का प्रोसेसर मिलता है, 1235U का, 8GB रैम, 512GB की SSD, बाकी सब कुछ मिलेगा, 14-inch के डिस्प्ले के साथ में आता है, कॉम्पैक्ट साइज का लैपटॉप चाहिए आपको डेल की तरफ से, तो इसको आप खरीद सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।
सो गाइज अब यहाँ पे एक Xiaomi का भी लैपटॉप देख लेते हैं। तो यहाँ पे MI के लैपटॉप में देखो तो MI का नोटबुक अल्ट्रा मैक्स i5 11 जनरेशन के साथ में आता है। इस लैपटॉप को आप थोड़ा इग्नोर करना चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो, जस्ट दैट MI की तरफ से था और एक भी लैपटॉप नहीं था तो मैंने इसको इंक्लूड किया क्योंकि MI ये ऑफर कर रहा है सेल में, आप देख सकते हो। बाकी सभी लैपटॉप का लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड चॉइस इज योर्स, आपको कौन सा लेना है। सो बस गाइस यहाँ मैंने आपको सारे लैपटॉप्स दिखा दिए एंड सभी लैपटॉप का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे ऐसे ही लैपटॉप्स इंक्लूड किया जिन पे मैं अपना खुद का हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट कर सकता हूँ आग बंद करके। तो आप कोई भी लैपटॉप खरीदो अपने पसंद का, सब में परफॉर्मेंस आपको ग्रेट मिलेगा। सो बस गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।